हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है हिंटरलैंड। जब भी हम पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, आपने चाहे वर्ल्ड की ज्योग्राफी में पढ़ाओ या इंडिया की ज्योग्राफी में पढ़ाओ, तो एक टर्म आपके सामने आता है, उसका नाम है हिंटरलैंड। ठीक है, पोर्ट्स आप जानते हो, जहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जहाँ से और ओशियन के थ्रू सामान जाता है, पानी के बड़े बड़े जहाज सामान लेके जाते हैं। और पोर्ट्स हमने पढ़ भी लिए, इंडिया के वेस्टर्न साइड के पोर्ट्स पढ़ लिए, इंडिया के ईस्टर्न साइड के पोर्ट्स पढ़ लिए। अब हम जानेंगे हिंटरलैंड, हिंटरलैंड क्या होता है। ठीक है, एक सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊँ हिंटरलैंड, बहुत छोटा सा टॉपिक है। यूं समझो, जैसे यहाँ पे एक पोर्ट है आपका कांडला, ठीक है, ये कांडला पोर्ट हो गया। कांडला पोर्ट से सामान जा रहा है, तो कांडला पोर्ट मान लो इतने एरिया में, जस्ट इमेजिन, मान के चल रहे इतने एरिया में ना, जैसे यहाँ पे गुजरात आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, सपोज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इतने एरिया से सामान जो है, ध्यान रखना, यहाँ से कांडला पोर्ट पर जा रहा है और यहाँ से किसी फॉरेन कंट्री में जा रहा है, जस्ट इमेजिन यूके में जा रहा है। ठीक है, अब यूके से मान लो कोई सामान आया और ये फिर सामान इतने एरिया में वापस आ रहा है, मतलब ये जो एरिया है पीछे वाला, किसी भी पोर्ट्स के जस्ट बगल में, एडजेसेंट में, उसके पीछे वाला जो एरिया होता है, जहाँ से सामान एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होने के लिए जाता है, और या फिर जहाँ से इम्पोर्ट होकर इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पोर्ट के जस्ट पीछे वाला, एडजेसेंट वाला एरिया, जहाँ से सामान आ रहा है और यहाँ सामान जा रहा है, इस एरिया को हम बोलते हैं हिंटरलैंड। ठीक है, तो हिंटरलैंड इज एन इनलैंड एरिया दैट लाइज बिहाइंड दी पोर्ट। हर पोर्ट के पीछे का एरिया हुआ, सिंपल सी बात है, पोर्ट तो किनारे पर होते हैं, तो उसके पीछे जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, हिंटरलैंड कहलाएगा। अब ये पोर्ट से किससे कनेक्ट रहते हैं, या तो रोड से कनेक्ट रहेंगे या रेल से कनेक्ट रहेंगे। पोर्ट पर तो सामान आ जाएगा, पोर्ट से सामान अंदर पहुँचाने के लिए या तो रेल या रोड, रेलवे रोड की जरूरत पड़ती है ना। कॉमोडिटीज फॉर एक्सपोर्ट आर सेंट टू द पोर्ट फ्रॉम दिस एरिया। सपोज कोई सामान को बाहर भेजना है ना, तो सपोज मध्य प्रदेश से कोई सामान विदेश में जा रहा है, तो पहले कहाँ पे जाएगा, कांडला पोर्ट पर, और कांडला पोर्ट से पानी के जहाज के थ्रू बाहर चला जाएगा। जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करनी है वो इस एरिया पर आती है। दूसरी बात, इंपोर्टेड कॉमोडिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एयर। अब मान लो कांडला पोर्ट पर कोई सामान आया, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस एरिया में। ठीक है, तो ये होता है हिंटरलैंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये आपका चेन्नई पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है, चेन्नई। तो चेन्नई के लिए हिंटरलैंड क्या है, तमिलनाडु और पुदुचेरी। तो ये रहा आपका तमिलनाडु और यहीं पर ये रहा पुदुचेरी, ये वाला एरिया हो जाएगा इसका हिंटरलैंड। मतलब तमिलनाडु और पुदुचेरी से अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, तो पहले यहाँ पर चेन्नई पोर्ट पर जाएगी और फिर जिस भी देश में एक्सपोर्ट कर रहे हो वहाँ चली जाएगी। और तमिलनाडु और पुदुचेरी को कोई चीज़ मंगानी है, तो पहले चेन्नई पोर्ट पर आ जाएगी और फिर यहाँ से ये अंदर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये होता है हिंटरलैंड। हर पोर्ट का अपना अपना हिंटरलैंड होता है। ठीक है ना, बस इतना ही है हिंटरलैंड के बारे में। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।